महाराजगंज रायबरेली कस्बे के रुद्रनगर में एक बुजुर्ग की संदिग्ध उपस्थितियों में मौत हो गई। घटना पर बुजुर्ग की बहू ने दो लोगों पर जमीन की लालच में हत्या करने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में कस्बा स्थित वार्ड 6 रुद्रनगर निवासी महिला सुलेखा पत्नी राम कुमार ने बताया कि पिछले 3 महीने से गाँव के राजेश उर्फ घंटी कैलाशपुर कुटवा मदनिया निवासी राम अभिलाख उसके ससुर सुंदरलाल से खेत व मकान दिखाने को बहला फुसला व शराब पिला रहे। महिला ने बताया कि मृतक ससुर ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने प्रतिपक्षियों के हाथों सोमवार को पैसा मिलने के बदले जमीन की वसीयत लिख दी, किंतु अब पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। महिला सुलखा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह उसके ससुर को राजेश राम और अभिलेख मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए और हत्या कर दी। प्रकरण में कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिली है, घटना की जांच की जा रही है। क्या नाम रहा सर? सुंदरलाल। कहाँ रहने वाले थे? रुद्रनगर वार्ड नंबर 6। तो क्या हुआ, क्या बताए? सुबह बाप ना चाचा का करत हो कहिन कुछ नहीं, हम कहन का करे तुम कहिन वसीयत करन राजेश के नाम। और सुबेरे देखित है तो लाश पड़ी है। वसीयत कब करे? वसीयत हमका पता क्या 4-5 दिन हो गई सोमवार। इससे पहले तुम्हारे नाम भी वसीयत किए थे क्या? ससुर राजी राजी हमरे नाम करे। कितनी जमीन है जो जिसका वसीयत किए? सुंदर लाल। कितनी जमीन कितनी है जिसका वसीयत तुमको किए थे? 1 बीघा। उसके पहले हमरे घर का एग्रीमेंट करा लेन हमरे ससुर से। ये राजेश कौन है जिनके नाम वसीयत किए हैं? ये रिश्तेदार हैं साहब, रिश्तेदार। और कौन था आदमी का बलात्कार के आरोप में फंसाए? अरे इसको कौन लोग और मां अभिलाष कहां रहने वाले हैं? मैं ये बैठी हुई हूं। राम अभिलाष कैलाशपुर के रहे वाले हैं, बछरावा रोड पर किराए पर रहते हैं, भाजपा के नेता है। कितनी जमीन का वसीयत उन लोगों के नाम कर रहे हैं? 1 बीघा दुई दुकान कराए नहीं दुकान हमको सुबेरे पता चला कि ये लोग मार डाली ना हमारे ससुर का। इनके और कोई था ससुर के? और कोई था? और कोई नहीं था। इनका भतीजे 4 महीने से जहर में है, उनका जहर भेजावे वाली माँ नरमा है, इनकी बिटिया कोमल है, राजेश पुत्र बघंटी है, राम अभिलाख है। घर भर में के सुनो जहे आदमी का जहर भेज दे घर से।